नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी धीरेंद्र राघव चंदेल। हमारे इस टोटल फैक्ट्स फंडा चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको यहां बताते हैं फैक्ट्स फैक्ट्स ओनली फैक्ट्स। इस अंक में हम आपको बताने जा रहे हैं भारतवर्ष के 7 अनसुलझे खौफनाक रहस्यों के बारे में। कंकालों की झील, जोधपुर बूम, बिहार की सोन भंडार गुफा, तो आइए जानते हैं 7 खौफनाक रहस्यों के बारे में जो आपको पागल कर देंगे। कृपया एक बार जरूर देखें और मैसेज के द्वारा इन सवालों के जवाब जरूर भेजें। भारत के विशाल आकार, सांस्कृतिक भिन्नताओं, पौराणिक कथाओं के कारण यह स्वाभाविक रूप से विचित्र कथाओं का देश बन जाता है। ऐसे किस्से अफवाहों से पैदा होते हैं या कुछ कल्पना का परिणाम ही होते हैं। यह कहा जा सकता है कि इनमें से अधिकांश किस्से गढ़े हुए हैं। भारत के कई ऐसे रहस्य हैं जिनका जवाब आज भी तलाश रहे हैं। कोई वैज्ञानिक तर्क इन मामलों का समाधान नहीं कर पाया है और वे अभी भी गुमनामी में लटके हुए हैं। खौफनाक जैसे वे ध्वनि करते हैं, ऐसी कहानियां आपको चकित कर देंगी। पहला, कंकालों की झील। रूपकुंड झील समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट ऊपर है और इसे कंकालों की झील के रूप में भी जाना जाता है। 1942 में कंकाल के अवशेषों को पहली बार देखा गया था जब कठोर गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया था। एक ब्रिटिश वन रक्षक ने बड़ी संख्या में मानव कंकालों को बेतरतीब ढंग से पड़े हुए और झील के किनारों पर तैरते हुए देखा। प्रारंभ में कंकालों को उन जापानी सैनिकों के अवशेष माना जाता था जो युद्ध के दौरान मारे गए थे, लेकिन 2004 में इस सिद्धांत को झटका लगा। 2004 में यह पता चला कि अवशेष 850 ईस्वी पूर्व के हैं। तब से लेकर अब तक इस घटना को समझाने के लिए कई थ्योरी सामने रखी गई हैं, लेकिन लोग अभी भी इसका जवाब ढूंढ रहे हैं। इन अवशेषों को अभी भी गर्मियों के दौरान देखा जा सकता है जब बर्फ पिघलने लगती है। दूसरा, जोधपुर बूम। 18 दिसंबर 2012 को जोधपुर निवासी सदमे में थे। अचानक आई तेज आंधी ने जोधपुर के लोगों को चौंका दिया। कुछ भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता था, केवल यह आभास था कि कहीं से कुछ दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जैसे कि हवाई जहाजों की वजह से ध्वनि उछाल। निवासी चिंतित हो गए और आसपास पूछने लगे, लेकिन किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ और कोई विस्फोट नहीं हुआ, इसलिए इस रहस्यमय जोधपुर बूम से जुड़े कोई स्पष्टीकरण नहीं है। ऐसे में यह देखना बाकी है कि क्या यह मामला कभी सुलझ पाएगा। तीसरा, बिहार की सोन भंडार गुफा। धन का द्वार, यह कथा बिहार की सोन भंडार गुफा से जुड़ी है। कहा जाता है कि गुफा एक विशाल चट्टान है। माना जाता है कि बिंबिसार के धन को जमा कर रहा था, जो मगध राजा था और खजाना इकट्ठा करना पसंद करता था। ऐसा हुआ कि जब राजा को उसके बेटे ने कैद कर लिया तो बिंबिसार की पत्नी ने इस गुफा में खजाने को छिपा दिया। आपको दीवार पर खुदा हुआ सांकलिपि लिपि में शिलालेख मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी शिलालेखों को पढ़ेगा वह कथित तौर पर खजाने का द्वार खोलेगा। इस द्वार को खोलने की गतिविधि को एक बार अंग्रेजों ने अपने तोप के गोले का उपयोग करके आजमाया था। परिणाम, अंग्रेज असफल रहे और वे दीवार पर केवल एक बड़ा काला निशान छोड़ने में सफल रहे जो अभी भी दिखाई दे रहा है। चौथा, लद्दाख में कोनकाला दर्रा। यह क्षेत्र भारत और चीन की विवादित सीमा में स्थित है और वास्तव में दुनिया में सबसे दुर्गम स्थान है। यह क्षेत्र अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के कारण हमेशा के लिए एक नो मैंस लैंड बना हुआ है। इसके बाद एक लोकप्रिय धारणा बनी कि लद्दाख में कोनकाला दर्रा यूएफओ उड़ने वाली चीज का एक भयानक अड्डा है। लद्दाख के लोगों ने कई बार यहां पर यूएफओ देखे जाने का दावा किया है। 2004 में कुछ वैज्ञानिक यहां पर खोज का काम कर रहे थे। इस दौरान उन्हें वहां रोबोट जैसा कुछ चलता हुआ दिखा। वैज्ञानिकों के मुताबिक जैसे ही वो वहां पहुंचे वो रहस्यमय चीज गायब हो गई। 2012 में भी ऐसी घटना सामने आई थी। लेह के थाकुंड में स्थित ITBP यूनिट के दावे के मुताबिक एक चमकदार चीज आसमान में 1 अगस्त से 15 अक्टूबर के बीच कई बार देखी गई थी। कथित तौर पर कई लोगों ने इन एलियंस को देखा है और भारत और चीनी दोनों सरकारें इन घटनाओं से अवगत हैं। 2006 में गूगल मानचित्र ने भी कुछ छवियों के साथ दुनिया को चकित कर दिया जो सैन्य सुविधाओं को पसंद करते थे, लेकिन आज तक यह पूरा मुद्दा रहस्यमय और अस्पष्ट बना हुआ है। पांचवा, सामूहिक पक्षी आत्महत्या, जतंगा असम। जतंगा असम का एक छोटा सा गांव है और यहां के लोग एक ऐसी घटना का अनुभव करते हैं जो इतनी विचित्र लेकिन रहस्यमय है। उक्त घटना सामूहिक पक्षी आत्महत्या है। यह घटना हर साल सितंबर और नवंबर के महीनों के बीच होती है। सैकड़ों स्थानीय और प्रवासी पक्षी बिना किसी कारण के इमारतों और पेड़ों में उड़ जाते हैं और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। यह घटना अभी भी वैज्ञानिकों द्वारा सुलझाई जानी बाकी है और स्थानीय लोग अभी भी मानते हैं कि यह बुरी आत्माओं की करतूत है। यह जतंगा को घूमने के लिए एक डरावना गंतव्य बनाता है जहां लोगों पर एक रहस्य मंडराता है। छठा, जयगढ़ किले का शाही खजाना। जयगढ़ किले का रहस्यमय इतिहास आपको आश्चर्यचकित कर सकता है कि क्या वास्तव में ऐसी चीजें संभव हैं। किले में पहियों पर सबसे बड़ी तोप है और इसका इतिहास पूर्ण रहस्यमय दास्तां है। मान्यता के अनुसार अकबर के रक्षा मंत्री मानसिंह ने एक सफल मिशन के बाद अफगानिस्तान से लौटते समय युद्ध की लूट को इस किले में छिपा दिया था। 1977 में यह किला एक बार फिर सुर्खियों में आया। भारत में आपातकाल के चरम के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किले की गहन खोज का आदेश दिया। एक गुप्त सूचना के बाद खोज की गई थी कि किले में पानी की टंकियों का इस्तेमाल मुगल खजाने को छिपाने के लिए किया गया था। हालांकि तलाशी अभियान के दौरान कुछ भी नहीं मिला, लेकिन इसे भारी प्रचार मिला और रहस्य अभी भी सुलझना बाकी है। सातवां, ज्ञानगंज। ज्ञानगंज अमरों का शहर, क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? भारत वास्तव में इस तरह के रहस्यों को अपने बेल्ट के नीचे रखने के लिए आश्चर्यजनक है। हिमालय की क्षेत्रीय सीमाओं के कारण वास्तव में कई रहस्यमय कहानियां जुड़ी हुई हैं।
प्राचीन तिब्बती और भारतीय कथाओं के अनुसार इस स्थान को रहस्यमय अमर प्राणियों की नगरी कहा जाता है। लोग वहां नहीं जा सकते हैं और न ही इसके अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि इस जगह ने खुद को इतनी शानदार ढंग से छुपाया है कि कोई भी आधुनिक तकनीक आपको इस तक पहुंचने में मदद नहीं कर सकती है। कई महात्माओं और साधुओं का मानना कि इस स्थान पर परम ज्ञान और शांति प्राप्त की जा सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।